तो गाइस ये पैकिंग हो रही है, और ये पैकिंग हो रही है शादी में जाने के लिए। आज मुजफ्फरनगर शादी में जा रही हूँ और बहुत ठंड है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज होगा। मतलब मैं जो ड्रेस पहनने वाली हूँ, जो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, वो कैसे मैनेज होगा इतनी ठंड में। हे मालिक, इतनी ठंड में शादियां क्यों करते हैं लोग। एनीवेज, पैकिंग शुरू हो गई है और शाम को निकलेंगे। मेरे गेस्ट हैं, उनको जो है ना एयरपोर्ट से पिक करूंगी और उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर के लिए निकलूंगी। सो शादी पूरी कवर करेंगे और देखना कितना मजा आता है। बाय बाय। दो दिन का सामान पैक कर लिया है। हम लड़कियां नॉर्मली कहीं जाती हैं तो भी इतनी पैकिंग करके जाती हैं, हम तो शादी में जा रहे हैं तो सोचो कितनी सारी चीजें लेकर जा रहे होंगे। कम से कम हमारे 3-4 जोड़ी तो फुटवेयर ही होते हैं। सो एनीवेज, हम लोग बड़े दिनों बाद, हमारा जो रोड वॉरियर ग्रुप है वो एक शादी में मिलने वाला है, और इसमें कई सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, कई सारे लोग थोड़ा दूर से आ रहे हैं, लेकिन इसमें सरप्राइज ये है कि कौन कहाँ कौन कौन आ रहा है, जिसकी शादी है उससे छुपाया हुआ है। तो अभी सबका रिएक्शन देखेंगे, कवर करेंगे और मजा आएगा। सो हार्ट बीट रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। तो जी, सवारी निकल चुकी है मुजफ्फरनगर शादी में जाने के लिए, और बड़े एक्साइटेड हैं हम लोग। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और रोड वॉरियर बहुत दिनों बाद इकट्ठा हो रहा है, और देखते हैं अभी फॉग मिलेगा रास्ते में। फिलहाल अभी मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, वहां से हमारे एक फ्रेंड को पिक करना है। इस सर्दियों की फॉगी नाइट, सही सही बताओ, किस किस को इस मौसम में बाइक चलाने में मजा आता है? भाई मुझे तो बहुत मजा आता है, लेकिन अभी ड्यू टू कोविड मैं अभी कहीं प्लान नहीं कर रही हूँ जाने के लिए बाइक से। अब शादी में क्या है ना, जाना इसलिए जरूरी है कि सिर्फ 200 लोग ही अलाउ हैं, और 200 में भाई ने हमें रखा है 200 की लिस्ट में, तो इसलिए ड्यू टू रिगार्ड हमें जाना चाहिए, तो हम जा रहे हैं। गाइस, चिली 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 नाइट और बहुत एक्साइटमेंट है। फ्यूल भी खत्म हो रहा है, फ्यूल भी डलवाने का है। हाँ भाई, हाई बीम लगा के आंखों पे मारो सीधे, मुझे अंधा कर दो, दिखाई ना दे। तो गाइस, मैं इस टाइम पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, और टर्मिनल 3 भी बोलते हैं इसको। देखते हैं किस तरह की जांच हो रही है यहाँ पे। कोई खास सिक्योरिटी तो नहीं है जो एक एक गाड़ियों के बोनट को या टिक्की को खोलकर चेक करे, ऐसा तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, उनको पता चल जाता है कि कौन सी गाड़ी को चेक करना है कौन सी को नहीं। लिटरली मुझे प्लेन का जो जर्नी था वो बहुत ज्यादा इरिटेट करने लगा था, इतना ज्यादा मैंने सफर कर लिया था। बस आ गई बाहर। अच्छा, फ्लाइट से नीचे उतरोगे? चलो मैं आपको बाहर ही मिलूंगी, मैं जिस भी गेट पे खड़ी होंगी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना? मेरे ख्याल से एक या दो ही गेट होते हैं बाहर आने के। आ जाओ, आप मैं आ गई हूँ, जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। ठीक है ठीक है, ओके। तो फ्लाइट जस्ट लैंड हुई है और मुझे बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है। किसी को छोड़ने जाओ या लेने जाओ तो अलग ही फीलिंग होती है। लोग वरमाला लेकर खड़े हुए हैं वेलकम में, भी सही है। मुझे कहीं पे गाड़ी टिकानी होगी, कहीं अच्छी सी जगह देखकर जहां मेरी छोटी सी गाड़ी आ जाए।
मेरे ख्याल से अभी भी डिपार्चर ही है, मुझे अराइवल की तरफ जाना है। डिपार्चर डिपार्चर अराइवल, ओके। तो मैं आ गई। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में। कोविड के चक्कर में जो फ्लाइट्स कम हुई हैं, इसकी वजह से लोगों का आना जाना फ्लाइट के थ्रू काफी कम हुआ है। और ये अच्छी बात है, घर में बैठो, अपने क्या जरूरत है कहीं आने जाने की। मैं पिलर नंबर 5 और 6 के बीच में खड़ी हूं। 1, 2, 3, थर्ड रो। ओके, थर्ड रो। अहमदाबाद से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। मिलो मौलिक पटेल से। हाँ मौलिक, हाथ पकड़ो, ये मेरे को फॉलो कर रहा है। आए रे छोटा सा, छोटू सा। मेरा चेहरा पसंद नहीं होगा। नहीं, मैंने इसको फॉलो पे लगाया हुआ है। रुको, क्या कहा मौलिक? हम लोग फ्यूल ब्रेक के लिए रुके हुए हैं और मौलिक कुछ कह रहे हैं। हवा पानी सब दुरुस्त है, गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई है। थोड़ी क्या, बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। शादी में ले जाने लायक लग रही है। कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? फुल इंटरव्यू। और किसको झटका देने जा रहे हो? रॉबिन की आज आज बैचलर नाइट है ना रॉबिन की? हाँ, नहीं तो आज रात भर जागेगा, बोल रहा है। हाँ, आज आज कहाँ सोता है, वैसे भी शादी के एक्साइटमेंट में कोई नहीं। अगर सो गया तो भी मैं उठाऊंगा उसको। हाँ, जगा के रखेंगे। तो आज रॉबिन की बैचलर नाइट है और हम लोग जा रहे हैं रॉबिन के पास। तो जस्ट मैंने जो है ना मौलिक भाई को पिक किया है एयरपोर्ट से। खिलोगे? अरे बस करो। मौलिक क्या कर रहे हो? ये एयर निकाल रहे हो? ओ माय गॉड, ये ऐसे भी मतलब फ्यूलिंग होती है, हिला हिला के। सही है भाई। तो 2918 रुपए का तेल डला है, टैंक फुल। मोपिट आए, अब यहाँ से टैंक फुल हो गई है। अभी भी हमें पहले वाया मेरठ जाना है, तो मेरठ से भी एक बंदे को पिक करना है और उसके बाद आगे जाना है। आज सिर्फ रात को नाइट ड्राइव होने वाली है फॉग में। बट सीरियसली यार, मौलिक जैसे इंसान बहुत कम है लाइफ में, कि छोटी सी खुशी को बड़ा बनाना ऐसे इंसानों से सीखना चाहिए। हाँ जी मौलिक, आगे ले लो, मुझे कॉल करने में कॉल कर लेता हूँ। हाँ जी, तो देख रहे हो सामने एक ऑटो चल रहा है, ये हमारा मार्गदर्शक है। इस टाइम पे -0 विजिबिलिटी है, जिसकी वजह से कुछ नहीं दिख रहा है। और सामने वाले ऑटो पे LED लगी हुई है, जिसकी वजह से उसे दिखाई दे रहा है और हमें वो दिखाई दे रहा है, और इसीलिए हम चल रहे हैं। क्यों मलिक? सही बात है यार, कुछ दिख नहीं रहा है अभी तो सामने। ये ऑटो वाला ऐसा लग रहा है ना, वो सारथी बन के आए हो। हाँ, ये हमारा मार्गदर्शक है। सही में इतनी ज्यादा मतलब विजिबिलिटी एकदम जीरो हो रखी है, और -0 हो रखी है मेरे ख्याल से तो। पर ये ऑटो वाला कितनी मस्ती में चल रहा है, इसे कोई टेंशन नहीं है। और मेरे ख्याल से चल रहा है कितना, 20-30 की स्पीड में आराम से भगा रहा है। 40 की स्पीड में आराम से भगा रहा है। और ये हाल है कि नीचे की व्हाइट पट्टी भी नहीं दिख रही है, जिसको फॉलो करते हुए हम फॉग में निकल सके। हाँ जी जनाब, तो कैसा लग रहा है? ये दूसरा पटाखा है जो रॉबिन की शादी में फूटेगा। पहला पटाखा पीछे सो रहा है, और ये दूसरा पटाखा है जो रॉबिन की शादी में फूटने वाला है। मतलब तुम तो जीरो विजिबिलिटी है, तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं हम सब खैरियत के पहुंच जाएं। बहुत ज्यादा रिस्की ड्राइव है ये, जो कभी कभी करने को मिलती है। तो जीरो विजिबिलिटी है अभी। मजा तो आ रहा है ना? लेकिन नहीं,
जीरो विजिबिलिटी का क्या है? रिस्की ड्राइव है ना बहुत ज्यादा। हाँ तो क्या हुआ, रैली ड्राइवर के लिए क्या रिस्क? अरे नहीं यार। बाकी ये दोनों महाशय ऐसे हैं कि रॉबिन की शादी में जा रहे हैं और दोनों के बारे में रॉबिन को पता नहीं है। महाशय रॉबिन रॉबिन को पता नहीं है आप दोनों के बारे में कि आप दोनों अभी आ रहे हो, शादी से एक दिन पहले आ रहे हो। सारे रिचुअल्स करेंगे कल, मजा आएगा। और ये देखो विजिबिलिटी जीरो, यहाँ पे गाड़ियां सब साइड में लग गई हैं, आगे जाने की किसी की हिम्मत है नहीं। हम चलेंगे आगे, तो यहाँ पे सबके तोते उड़ गए गाड़ी वालों के। अब आप अपने लेफ्ट साइड देखते चलना, कोई ढाबा खुला होगा तो रुक के चाय भाई पी लेंगे। भाई खुला तो बहुत कुछ है लेकिन दिख नहीं रहा कि वो क्या है। सुनसान राहों पे कुछ ना दिखे तो, कुछ दिखा नहीं दिखा, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा। सामने सड़क है बस महसूस कर लो, दिखाई नहीं दे रही है। कसम दिखा ले। कसम पैदा करने वाले की। आगे सड़क है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। भाई हमें पिक करने आए हैं, हम तकरीबन 1.5 घंटा एक जगह खड़े होकर इनका वेट कर रहे थे और ये 19 किलोमीटर का सफर इस फॉग में 1.5 घंटे में कवर करके आए हैं। अब हमारा यहाँ से इनके घर का सफर शुरू हो गया और वो भी पता नहीं कितनी देर में शुरू होगा क्योंकि आगे वाली गाड़ी काफी लहरा रही है। अरे इतना क्यों लहरा रहे हो मामा जी, बैचलर पार्टी कर रखी है क्या? ये ऐसी जगह है टीवीएस का शोरूम वगैरह है। अभी इस टाइम तो बिल्कुल मतलब कुछ नजर नहीं आ रहा आसपास, लेकिन सिटी है। लेकिन अब जब इसको दिन में देखेंगे ना तो हम बहुत हंसने वाले हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ये भी बताया गया था कि यहाँ लेपर्ड है। लेपर्ड लेपर्ड है यहाँ पे फेक। तो ये जो सामने वाली रेस्क्यू कार है UP 12, ये हमें रेस्क्यू करके लेके जा रही है। बस हमें सही सलामत घर पहुंचा दे, बहुत नींद आई हुई है और भूख लगी हुई है, दोनों फीलिंग्स एक साथ हैं। बस मामा जी एक बार और लहराना जरा, नागिन डांस करवाना कार का, शुरू तो कर रहे हैं भाई। बेहतरीन, ओ ओ ये लहराई। ओहो ये लहराई। ओ वाओ मामा जी, बीच बीच में जब तैर रहा है कोर। मामा जी बीच बीच में जब वैगनार बहुत पलटते हुए देखे मामा जी, बस मान जाओ नहीं वो खुद ही स्टंट कर रहे हैं, मैं क्या करूं। अभी देखना इधर जाते जाते एकदम अचानक से ऐसे अनचांचक से इधर से उधर करेंगे कुछ ना कुछ। कैसा है? हाँ। मैं ठीक हूँ। अरे मौली भाई, अरे बहुत बढ़िया भाई, ये एक बहुत सुबेरे बात हुई कि मैं नहीं आ सकता, फिर उनको लगा। ये अहमदाबाद से है, गुजरात से मौलिक भाई, आज सुबह फ्लाइट लेकर आए हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। और ये तो कल आने वाले थे, ये साथ ही आ गए। ये एक टूटी हुई है ना उसकी, मैं क्या सोच रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा थी, आपको पता है उसमें हीटर नहीं है और फुल हो गए। क्या क्या चीज, लाइट नहीं है, हीटर नहीं है और क्या क्या बदनाम है मेरी गाड़ी। शादी वाला घर, यहाँ ढोल रखा हुआ है, सुबह से बज रहा है। इस टाइम टाइम हो रहा है 12:35। सब हैरान हो रहे हैं कि हम तो कल शाम तक थे नहीं, हम शायद रात को आए हैं, हम सुबह 4 बजे आए हैं एक्चुअली। जीरो विजिबिलिटी, सड़क पे ना गड्ढे दिख रहे ना सड़क दिख रही,
खेत भी नहीं दिख रहे, समझ नहीं आ रहा हम खेतों से आए हैं या गड्ढों से आए हैं। ये दूल्हे राजा चाय लेकर कौन घूमता है शादी वाले दिन? मैं आए हम बाराती बारात लेके। गुड मॉर्निंग मालिक। अच्छा पैर पढ़ू हाँ? बड़े चलिए जी चाय आ गई। गुड मॉर्निंग, चीयर्स। कुछ बोलेंगे आप? कब आए आप, कैसे आए, कल कैसे पहुंचे? वीडियो में बड़े मासूम से बच्चे लग रहे हैं। इतनी सारी रजाइयों में दबाव आ रहा है। कितनी रजाइयां ले ली आपने? अरे आपको सबसे ज्यादा ठंड लग रही है आपको मौलिक? आपको कितने आपको कितनी ठंड लगी? इसके अंदर आने के बाद ठंड लगी। आपका आपके साथ हादसा क्या हुआ वो बताओ पहले। किसी की गलती की वजह से मेरी जैकेट खो गई। मतलब किसी की गलती? सामान का ध्यान रखने के लिए। ये गुज्जू लोग जो है ना अपनी अपनी गलतियां दूसरों पर डालते हैं। अच्छा मैंने बोला था कम से कम इतनी ठंड है कि दो जैकेट तो लानी चाहिए थी आपको। जो भूल जाता ना गाड़ी में। चाय लगता है अच्छी। अब गरम गरम सा खाना ले लेते। खाना अभी है ये बड़े बड़े ये इनमें नाज रखे हैं, नाज की टंकी। अच्छा देखो इतनी सारी रोटियां बनाई हैं आंटी ने। ये तो बहुत, इससे तो ज्यादा तो खा चुके हैं। खा चुके हैं और मेरे ख्याल से सुबह से ही रोटियां बना रही हैं। तो ये है गर्मा गर्म और फ्रेश, जो करता है फ्रेश। और ये हैं रीना आंटी जो कि रोटियां बना रही हैं और सुबह से इतनी सारी रोटियां बना चुकी हैं। लोग एक तरफ खा रहे हैं और ये बना रही हैं। हैट्स ऑफ आंटी, इतनी सारी रोटियां बनाते हो आप। इसमें डोली आएगी कन्वर्टेबल, ऑडी कन्वर्टेबल। मलिक रेड वर्सेस रेड। राजा दूल्हे राजा के भाई हैं और ये तैयार हो रहे हैं। गजब गजब। ठीक है नाम बताओ ना। पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र इसको देखो, इसको देखो, इसको ये वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। पीछे देखो पीछे, लाडला भाई है। सो स्वीट छोटा भाई मिट्टू। सो स्वीट, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। सबकी वीडियो बन रही है एक्चुअली। ओह वाओ, ये क्या क्या उगा रखा है आपने? क्या उगाया हुआ है? अनार का? अरे वाह, पपीता। और इसमें छोटे छोटे पपीते भी हैं। ये गिर गया जो भी था। बहुत ही फ्रेश एयर आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओ वाओ छोटा सा बेबी। कुछ नाम रखा है इसका? अच्छा दो है। मैंने एक बार ट्रैक्टर चलाया था आलू के खेत में, अब मैं भूल गई कैसे चलता है। कैसे हो, क्या बना रहे हो? पूरियां? पर बहुत थोड़ा, उधर भी खाना है। I'm having yummy, yummy, yummy breakfast. पूरियां, देसी घी का हलवा और गोभी की सब्जी। गोभी मुझे बहुत पसंद है। ऐसे सुबह सुबह खाने का मूड नहीं था लेकिन गोभी का नाम सुनते ही मैंने हाँ कर दी। चाय मट्ठा।
देसी घी का हलवा। बहुत टेस्टी है। बस भैया बस, थैंक यू। स्पेशल मट्ठा, वाह। देसी खाना खा के ना मतलब आत्मा प्रसन्न हो जाती है।갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Yeah. 시간은 इस टाइम पे एक विलेज की शादी में हूँ। मैंने ऐसी बहुत कम शादियाँ अटेंड करी हैं जिसमें मैं शादी से पहले एक दो दिन पहले पहुँची हूँ, और सच में यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो दुल्हन को लाने का साधन है, ऑडी कन्वर्ट बहुत ही अभी कन्वर्ट करके दिखाएंगे हम आपको। रेड वर्सेस रेड, तो अपना माल है नहीं वो वाला, अपना माल है तो अपना माल बेस्ट है। ये है गाय भैंसों की पार्किंग। ऐसा कुछ बोलो। हाँ, आपकी वीडियो बन रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको यहाँ कैसा लग रहा है कुछ तो बोल दो। ऐसे स्टाइल में बोल दो। हेलो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ और बस अब बारात में निकलने की तैयारी हो रही है। मेरा सामान भी रेडी है और अब थोड़ा सा चक्कर मारने के लिए सोसाइटी में गए हुए हैं। अब वो आए तो हम लोग निकलेंगे। तो बताना मैं कैसी लग रही हूँ। सांस ले ले आजादी वाली, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद पूछ पूछ के सांस लेना पड़ेगा। और अंकल आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया, मजा आ रहा है। हाँ, आपको अच्छा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। घोड़ी तो आप भी चढ़ चुके हो 27 साल पहले। अरे व्लॉग में मत डाल देना। क्यों? अभी बहुत ऑप्शन बाकी है। अभी बताएं आपको हम ऑप्शन दिखाएं। और मालिक, लड़की झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है, मेरी नहीं हुई है अभी तक। आज 27 लड़की को कितना झूठ बोल रही है मुंह पे। आज इनकी बेटी का 26वां बर्थडे है। आज इनकी बेटी का 26वां बर्थडे है। अच्छा चलो चलो झूठ। दूर दूर तक खेत खलिया। ये गाय के गोबर का महल है। राइड विद ब्राइड होगा कि नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा। राइड हम तलवार आगे की फ्यूचर राइड के बारे में क्या सोचा है? फ्यूचर की राइड के बारे में हम अभी तुरंत ही प्लान कर रहे हैं। गाजी भाई का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वेरी गुड, आई एम ट्राइंग हार्ड। वेरी नाइस, मे बी आई विल एबल टू कन्विंस हर। कन्विंस करने की क्या जरूरत है, उसको बोलना ऑर्डर है।
अभी तो अच्छा खासा हंस रहा था, अचानक से हंसी कैसे उड़ गई तेरी। सुबह की 6:30 बजे और रास्ता ऐसा है कि हमारी गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी नहीं है। कोई एडवाइस, कोई खास एडवाइस कि इस तरह के रास्तों पे निकलो तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहली चीज तो दिन में तो अभी कहीं कोई परेशानी नहीं है, अभी जिस तरह से चेंज हो गया है, जनरेशन चेंज हो गई है और एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत एक्टिव हो गया है, अच्छे जो है गाड़ियाँ आ गई हैं सब कुछ, तो दिन में आप जा सकते हो इन रास्तों पे, कोई दिक्कत नहीं है। बट रात को या लेट नाइट आप इन रास्तों पे ना ही आए तो जो है आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा सन्नाटे वाला है जो है। एक बार लाइट बंद करके दिखाओ, आगे कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। माय गॉड, मतलब आप दूर दूर तक आप देखोगे ना, दोनों साइड दूर दूर तक, ये सिर्फ रोड दिख रहा है जो आ रहा है, इस पे गाड़ियां दिख रही है आपको, दूर दूर तक यहाँ पे दोनों साइड में रेत है, रेत, ये धसी हुई है ना देखो जमीन है। हाँ। रोड धसी पड़ी है ये, अगर आप उस साइड निकालो ना हाथ, देखो रोड की हालत देखो ना क्या हो रखी है, ये काफी धस गई है। हाँ ये रेतली है सर। ओके ट्रक तो दिखा, तो गाइस इस तरह के रास्तों को रात के लिए और जीपीएस जब दिखाता है कि हाँ भाई, मतलब हर रास्ते को लेना जीपीएस के कहने पे सेफ नहीं होता है, तो कुछ अपना भी दिमाग लगाएं। या तो आपके साथ मतलब जैसे मैं इन रास्तों को थोड़ा जानता हूँ, मैं यहाँ आता जाता हूँ तो वो ठीक है, अगर आप बिल्कुल अननोन हो तो आप यहाँ घबरा जाओगे कि यहाँ हम जा कहाँ रहे हैं। तो इन्होंने तो खूब गाड़ी खींच दी इस पे, और कोई भी अननोन बंदा अचानक से आ जाए आपके सामने तो आपको गाड़ी नहीं रोकनी होती है, ये तो छोटे छोटे बेसिक से रूल है। देखो ना रोड साइड की बहुत चीजों से बहुत गहरे गहरे, ये तो मतलब एक गाड़ी गिर जाए तो पूरी अंदर धस ही जाए। ओह माय गॉड, ये जस्ट रोड से लगा हुआ है और इतना गहरा गड्ढा है। और ये बताओ शादी में कैसा लगा? शादी में बढ़िया लगा, जिसकी शादी थी वो भी खुश था, हम भी खुश थे। हाँ। जो सरप्राइज देना था वो सरप्राइज भी दे दी। हाँ। एंजॉय फुल किया, दोस्तों से मिले। हाँ। पुरानी यादें ताजा की। हम्म। आगे भी लाइफ में यही करेंगे, सरप्राइज और सरप्राइज और कुछ नहीं। बट हैट्स ऑफ कि आप इतने बिजी शेड्यूल में भी आप 2 दिन निकाल के आए हो।